जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप अगर भारतीय राजनीति को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो आप ये तो समझते ही होंगे कि लेफ्ट विंग क्या होती है और राइट विंग क्या होती है। भाई राइट विंग के अपने सपोर्टर्स हैं और लेफ्ट विंग के तो ऐसा लगता है कि पूरा पूरा एक मीडिया गिरोह ही उनकी गोदी में बैठा हुआ है। हालांकि वो लोग ये ज़रूर कहते हैं कि मोदी की है गोदी मीडिया, लेकिन खुद की गोदी में जो मीडिया बैठी हुई है उसके बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब जाहिर सी बात है भाई, लिबरल्स का अपना एक ग्रुप है, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए वो किसी को भी अपने आसपास फटकने नहीं देना चाहते और उस बबल को बनाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी न्यूज़ एजेंसीज तक खोल के रखी हैं। दरअसल ऑनलाइन जब से चीज़ें सहज हुई हैं भारत में, तब से कई तरह के ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स भी सामने आए, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स के उजागर के साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत के सामने खड़ी हो गई वो थी फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने वाली। फेक न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ रहती है जो कि इंसान को ना दिमाग ख़राब करने में मजबूर कर देती है, लेकिन फेक न्यूज़ से लड़ना बहुत ज़रूरी है। अब अभी पिछले कुछ समय में भारत और सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बीच में घमासान मचा हुआ है, इस बात से तो आप लोग भली भांति अवगत होंगे ही, क्योंकि कई सारे राज्यों में, कई सारे शहरों में, कई सारी जगहों पर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ इस तरह की बातों को फैलाने की कोशिश करी गई है समय समय पर, जो कि सही नहीं थी, और सरकार ने जब उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो ऐसे में सरकार ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर आपको हमारे देश में कुछ काम करना है तो आपको हमारे तरीके से करना होगा। ये बात तो थी भाई, इससे अगर बाहर की जो मीडिया एजेंसीज़ हैं उनको परेशानी होती तो एक बार फिर भी समझ में आता, पर देश की ही जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं अगर उनको ही समस्या होने लगे तो भाई तब तो कान खड़े होंगे ही ना। अब इसी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है जो कि भारत की देसी मीडिया एजेंसीज़ ने एक याचिका दायर करी थी उसके लिए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार मतलब 28 जून को डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए आईटी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस सी हरिशंकर और सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाश पीठ ने कहा कि वे इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। दरअसल फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, द क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ऑल्ट न्यूज़ चलाने वाली कंपनी प्रावधा मीडिया फाउंडेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 आईटी नियम 2021 पर रोक लगाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें एक ताज़ा नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत उन्हें नए आईटी नियमों का पालन करना होगा, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसको लेकर जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा कि इन कंपनियों को केवल नए आईटी कानून का पालन करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था जिस पर कोई भी रोक नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, जाहिर सी बात है इस समय देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए हम क्या बोलें, आप चाहते हैं तो हम एक विस्तृत आदेश जारी कर देंगे या आप चाहते हैं तो हम इसे रोस्टर बेंच के सामने दोबारा अधिसूचित कर देंगे। द वायर, द क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ऑल्ट मीडिया मीडिया कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नित्य रामाकृष्णन ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए। मालूम हो कि याचिका में नए आईटी नियमों को निष्प्रभावी करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि ये समाचारों एवं समसामयिक के प्रकाशकों की परिभाषित करता है और उन पर लागू होता है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि ये आने वाले समय में डिजिटल न्यूज़ मीडिया को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है और उनके अधिकारों का हनन भी है। बता दें कि ये नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज़र्स को उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उनकी शिकायतों के समाधान होने और उनकी जवाबदाही तय करने के लिए बनाए गए। संसदीय समिति ने भी आपत्तिजनक कंटेंट के मूल निर्माता की पहचान को सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ऐसे प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंगरेप की तस्वीरें, वीडियो तथा साइट को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। तो ऐसे में जब सरकार इस तरह के कुछ नियम और कायदे कानून ला रही जिससे कि गलत चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके, अगर उनको रोकने के लिए ही कुछ चीज़ें इस तरह की शुरू हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है समस्या होना तो लाजमी है। अब इन चीज़ों को लेकर भाई सोशल मीडिया दो गुटों में बटा हुआ है। वही मैं बात आ जाती है, जो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं वो इनके साथ दे रहे हैं, जो राइट विंग का सपोर्ट देते हैं वो इस फैसले को सही बता रहे हैं। भाई अपनी अपनी सोच होती है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, अब कोई राहुल बाबा आके कह दे कि भाई डेमोक्रेसी है नहीं तो ऐसा मान तो लिया नहीं जाएगा ना। तो इस बारे में अब आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।